अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहल बैत। अफसोस तो यह है कि इंसान ना कुरान की अहमियत को जान सके ना आले रसूल को। कुरान को बंद करके दीवारों पे सजा दिया और सिर्फ कस्मों और रस्मों तक महदूद कर दिया, और आले रसूल का खून कभी पयापानों में बहता है तो कभी उनके सर मुबारक नेजों पे सवार होते हैं। कभी आले रसूल की बेटियों को बाजार में फिराया जाता है तो कभी आले रसूल की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। ऐसी ही एक दुख की दास्तान एक परदेसी सैयद की है, जिसको जमाना अब्दुल्लाह शाह ग़ाज़ी के नाम से पहचानता है। हिंद सिंध में जितने भी सैयद और सादात के मज़ारात पाए जाते हैं, उनमें सबसे करीब तर हजरत अब्दुल्लाह शाह ग़ाज़ी हैं। तारीख ने शजराए अब्दुल्लाह अपने दामन में कुछ यूं लिखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अली से किया, उनसे दो बेटे हुए हसन और हुसैन, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हुई बीबी फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा हुआ जिसका नाम हसन मुसन्ना था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे मुसन्ना और बीबी फातिमा सुगरा की शादी हुई, उनसे बेटा हुआ हजरत अब्दुल्ला, और उनका बेटा हुआ मोहम्मद, और उनका बेटा हुआ हजरत अब्दुल्लाह शाह ग़ाज़ी, जिन्होंने अपने मुबारक कदमों से हिंद और सिंध की धरती को फैज बख्शा। आपकी विलादत 98 हिजरी मदीने पाक में हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के साए में ही आप बड़े हुए, और दीन हक की तालीमात इमाम मोहम्मद पाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से लेते रहे। आप उम्र में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से 15 साल छोटे थे। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। आपकी विलादत से तकरीबन 3 साल पहले हजरत इमाम जैनुल आबदीन ने शहादत पाई थी, और आप हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 30 साल बड़े थे। आपने मुलूकियत बनू उमैया में आंख खोली और जमाना बनू अब्बास अपने उरूज को जाता रहा। जैसे जैसे अब्बासी खुल्फा अपनी हुकूमत की बुनियाद मजबूत करते गए, वैसे वैसे आले मोहम्मद पे जुल्म और सितम और उनको कत्ल करते गए, क्योंकि वो ये समझते थे कि हुकूमत हमारी, पैसे हमारे, फौज हमारी, लेकिन लोग इन फटे और पुराने कपड़े पहनने वाले सैयदों की इज्जत क्यों करते हैं। यहाँ तक कि सादात का हिजाज में रहना महाल हो गया। आले रसूल मुख्तलिफ मुमालिक की तरफ हिजरत करते गए, और यूं हजरत अब्दुल्लाह शाह ग़ाज़ी अपने मुबारक कदम लेके सिंध की तरफ रवा हुए। ये दौर अब्बासी खुल्फा इब्ने अब्बास अब्दुल्ला सफा और उनके भाई अबू जाफर मंसूर का था। अब्दुल्ला सफा के हलाक होने के बाद जब मंसूर मसनद नशी हुआ तो उसने इस ऐलान को नाफिज कर दिया कि जो सैयद जहां मिले उसे कत्ल कर दो। हजरत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी सिंध में बेवतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो उनके पास 14 रमजान बरोजे पीर 145 हिजरी बाद नमाज असर ये खबर पहुंची कि उनके वालिद मोहम्मद सकरिया को कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई। तो आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आपने रोकर कहा, आज वक्त के जालिम हाकिम सादात को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि अल्लाह हमें किस इज्जत से नवाज रहा है। एक वक्त आएगा पूरे जहान में सैयद और सादात पाए जाएंगे। और फरमाया कि मैं भी अपने बाबा की तरह जल्द अपने जद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मिलूंगा, और अकीदतमंद रोने लगे। इस बात का इल्म जब मंसूर को हुआ कि रसूल अल्लाह के गुलशन का एक फूल सिंध में है और सिंधी लोग उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो अपनी फौज के सालार कुबैर से कहा कि जाओ अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी को कत्ल करके उसकी लाश को जला दो और उसका सर मेरे पास भेजो। और यहाँ सिंध में अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ अमल थे, दिन रात लोगों को दर्स अखलाक देते रहते थे। बिलाखिर फौज मंसूर इस सैयद को कत्ल करने के इरादे से आ पहुंची और आले रसूल का ये चराग भी बुझा दिया। बहुत कोशिशों के बाद सिंध के गवर्नर हशाम ने आपके जिस्म की तौहीन नहीं करनी थी, और रात की तारीकी में आपके जिस्म मुबारक को
جس جگہ آپ چلہ کیا کرتے تھے اسی پہاڑی میں تدفین کر دیا۔ یہ حادثہ ذوالحج 151 ہجری میں پیش آیا۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی پر۔ حضرت عبداللہ شاہ